अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई सेंटा फे के दो वेरिएंट जो आते हैं स्मार्ट और सिग्नेचर, इन दोनों गाड़ियों के अंदर बेसिक डिफरेंस जो है वो 18 लाख रुपए का है प्राइस का। तो इनके अंदर जो फीचर है उनके अंदर क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है, तो जो वाइट वाला वेरियंट देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है जिसकी 1.47 करोड़ प्राइस है, और जो ग्रे वाला है ये बेस वेरियंट है जिसकी प्राइस 1.29 करोड़ है। दोनों ही गाड़ियाँ हाइब्रिड ट्रेन के अंदर जो हैं वो आती हैं, और आज की वीडियो में हम दोनों गाड़ियों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे कि दोनों गाड़ियों में जो 18 लाख रुपये का अप्रॉक्सीमेट प्राइस का फ़र्क है तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं दोनों गाड़ियों के अंदर वो कम मिलती है। तो आज की वीडियो में दोनों चीज़ों के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चाबी से इसकी शुरुआत करेंगे, और चाबी का मैं आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों के अंदर सेम चाबी आती है, पावर लॉक अनलॉक पावर टेलगेट और रिमोट से दोनों गाड़ियों को स्टार्ट किया जाता है। अगर हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ आएँ तो उस गाड़ी में आपको बता दूं कि सबसे पहले तो फ्रंट साइड पर आएँ तो डिज़ाइन जो है वो दोनों गाड़ियों का सेम है, इवन ग्रिल का कलर जो है वो भी जो है वो सेम आता है। टॉप वेरियंट के अंदर आपको फ्रंट पर कैमरा मिलता है और मैट ब्रश फिनिश में ग्रिल मिलती है। इसके अंदर LED टर्न सिग्नल आते हैं और वही जो है इसके DRL हैं, और नीचे आ जाए तो डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक के अंदर आते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आते हैं, और इसके अलावा गाड़ी के साइड मिरर जो साइड की तरफ आए तो साइड के अंदर 19 इंचज़ के रिम हैं जिसके अंदर कॉन्टीनेंटल के टायर जो हैं वो लगे हुए हैं। नीचे साइड मिरर के अंदर कैमरा जो है वो लगा हुआ है, 360 व्यू के लिए स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मौजूद है। बैक साइड पे हैं तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर के साथ H-Track हाइब्रिड जो आपको लिखा हुआ मिलता है। लाइट जो है सेम है, पीछे बैकअप कैमरा भी मौजूद है, लेकिन इसके जो टर्न सिग्नल है वो बम्पर के अंदर है, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी डिग्गी जो है वो ऑटो आती है, इलेक्ट्रिक, मतलब बटन दबाएँ तो वहाँ से जो है खुल जाती है, और जब आप डिग्गी खोलते हैं तो पिछली जो सीट है वो मैनुअली फोल्ड होती है। बल्कि और दूसरा जो इसके अंदर जो एक एडवांटेज है, उसके थर्ड रो में आपको AC के वेंट्स जो है मिल जाते हैं चार्जिंग सॉकेट के साथ, और इसी तरह ये सीट जो है वो बंद हो जाती है। ये टॉप ऑफ द लाइन जो वेरियंट है इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। और अगर हम दूसरे बेसिक वेरियंट की तरफ आएँ तो उसके अंदर डिज़ाइन जो है वो सेम है, लेकिन आपको फ़र्क नज़र आएगा वो लाइट्स के अंदर है। लाइट LED आती है, लेकिन सिंगल LED लाइट आती है, और टर्न सिग्नल भी आपको हैलोजन हेडलैम्प वाला मिलता है। हालांकि वो LED दे देते कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन सिंगल LED लाइट दी है। फ्रंट में कैमरा मौजूद नहीं है, जबकि टॉप वेरियंट में अंदर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आते हैं। इसके अंदर अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर भी 19 का ही रिम मौजूद है, टायर भी सेम है कॉन्टीनेंटल वाला, लेकिन साइड मिरर के अंदर कैमरा जो है वो मौजूद नहीं है। स्मार्ट एंट्री सिस्टम मौजूद है, सनरूफ जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर पैनारोमिक ही आता है, वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। बैक साइड पर है तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड के साथ H-Track लिखा नहीं मिलेगा। नीचे आ जाएँ तो पार्किंग सेंसर पीछे मौजूद है, लेकिन टेल गेट जो है इस गाड़ी के अंदर वो मैनुअल आती है, वो ऑटो नहीं आती, आपको हाथ से खोलनी पड़ेगी। बैक साइड पर कैमरा ज़रूर आता है, और पिछले वाली साइड में सीटों के अंदर मैं आपको बता दूं कि रेयर में इसके थर्ड सीट के अंदर AC के वेंट्स जो है वो नहीं आते, लेकिन अच्छी चीज़ है कि सेकंड रो को आप इलेक्ट्रिकली जो है वो फोल्ड कर सकते हैं, और टॉप वेरिएंट के अंदर आपको थर्ड जो AC का वेंट्स है वो भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इंटीरियर में आ जाएँ तो टॉप वेरियंट के अंदर आपको हारमन कार्टन का साउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 2-way मेमोरी सीट्स जो हैं वो आपको मिलती हैं, और बाकी जो है लेदर मटेरियल लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप आ जाएँ स्टेयरिंग व्हील के अंदर तो उसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल जो हैं वो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर जो हैं वो भी मौजूद है, 12.2 इंचज़ की स्क्रीन जो है वो भी मौजूद है। यहाँ पर आ जाए तो हीटेड एंड कूल सीट्स भी हमें मिलती हैं। इसके अलावा बाकी जो है पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव वो सेम आपको मिलते हैं, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और स्क्रीन जो है इसके अंदर जैसे आप कैमरा चलाते हैं रिवर्स तो आपको 360 व्यू मिलता है, और इसके अंदर आपको टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिलते हैं, वही जैसे आपने गाड़ी को मोड़ना है तो साइड में आपको इंडिकेटर जो है वो कैमरे का दोनों साइडों का स्क्रीन के अंदर भी शो करता है, ये 360 कैमरे की वजह से करता है। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेन मोड भी मिलते हैं, इसके अलावा मतलब जिसके अंदर आपको इको स्पोर्ट स्नो मड सैंड ये मिलता है, और स्पोर्ट मोड भी आपको मिलता है। स्नो मड और ये जो सैंड है ना, ये तीन आपको ट्रेन मोड मिलते हैं। इसके अलावा हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर आता है, जो इसका टॉप वेरिएंट आता है। इसके अलावा इसके अंदर 4-way लंबा स्पोर्ट और 10-way पावर इलेक्ट्रिकल जो है सीट एडजस्टमेंट मिलती है, और ड्राइवर साइड के साथ पैसेंजर सीट भी जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, उसको सेकंड रो से भी आप सीट को आगे जो है वो कर सकते हैं। रेयर में AC के वेंट्स जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर आते हैं, और उसके अंदर आपको USB के सॉकेट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए AC वेंट्स के साथ ही, ये एक अच्छी चीज़ है। और बेस वेरिएंट की तरफ आए तो बेस वेरिएंट के अंदर सबसे पहला डिफरेंस जो है वो आपको कैमरे का नज़र आएगा, आपको सिंपल कैमरा मिलता है गाइडलाइन के साथ, लेकिन 360 कैमरा जो है वो नहीं मिलता। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, डुअल जोन का ही मौजूद है, सिंगल जोन नहीं है, और ट्रांसमिशन भी वही सेम तरीके से चलती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ट्रेन मोड नहीं मिलते। दोनों गाड़ियों के अंदर हीटेड स्टीयरिंग व्हील जो है वो स्टैंडर्ड आता है, इसके अंदर आपको इको स्मार्ट और स्पोर्ट मोड ही आपको मिलता है, बाकी जो है वो नहीं मिलता। इसके अलावा इसके अंदर सीट सिर्फ हीटेड आती हैं, कूल सीट नहीं आती, हालांकि कूल होनी चाहिए थी और हीटेड खत्म होना चाहिए था।
था। तो इसके अंदर आपको तीन ही मोड मिलते हैं, इको स्पोर्ट और नॉर्मल। ब्लाइंड स्पॉट हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो भी नहीं मिलता। इसके अलावा इसके साइड्स में आपको मेमोरी सीट्स नहीं मिलती और हार्मन कार्डन का साउंड नहीं मिलता। इसके अंदर 6 स्पीकर आते हैं, जबकि टॉप वेरियंट जो है उसके अंदर 9 स्पीकर आते हैं। बाकी लेदर वाला फंक्शन आता है। इसके अंदर भी लंबा स्पोर्ट मौजूद है, लेकिन ये 2 वे एडजस्टेबल और सीट जो है वो 8 वे एडजस्टेबल, जबकि दूसरी गाड़ी में 10 वे प्लस 4 वे लंबा स्पोर्ट मिलता है। और ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी इंजन का बता दूं, दोनों गाड़ी के अंदर सेम 1600 cc हाइब्रिड इंजन आता है, लेकिन ट्रांसमिशन का फ़र्क है कि टॉप वेरिएंट जो वो ऑल व्हील ड्राइव आता है, जो एच ट्रैक सिस्टम के साथ चलता है, और जो दूसरी गाड़ी है बेस वेरिएंट वो फ्रंट व्हील ड्राइव में आती है। लेकिन फ्यूर एवरेज दोनों गाड़ियों का बता रहे हैं कि वो 20+ ही होगी। इन सिटी लॉन्ग पे तो हाइब्रिड की एवरेज वैसे भी थोड़ी कम होती है, तो 17-18 तक ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करें, जो टॉप वेरिएंट है उस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मोनिटर मिलता है, इसके अलावा रियर क्लेन वार्निंग मिलता है, 360 कैमरा मिलता है। इसके अलावा ऑटो चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 कैमरे मौजूद हैं। ये जो है ये टॉप वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो मिलते हैं फीचर, और रेन क्लेन अलर्ट भी आपको मिलता है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको रियर क्लेन अलर्ट मिलता है, फ्रंट रियर में पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS ब्रेक मिलती हैं। चाइल्ड लॉक जो है इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन ऑटो नहीं मैनुअल है, जबकि बेस वेरिएंट जो है और टॉप वेरिएंट जो है उसके अंदर ऑटोमेटिक मिलता है। तो ये सेफ्टी के अंदर भी कुछ डिफरेंस है। दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला जो है वो सीन नहीं है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस हैं दोनों गाड़ियों के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं। तो 1,29,00,000 और 1,47,00,000 के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और बेस वेरिएंट के अंदर भी जो मतलब जो ज़रूरत की सारी चीज़ें वो सारी मौजूद हैं। बहरहाल ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जो गाड़ी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और दोनों गाड़ियों के अंदर आपको हर चीज़ क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।